ये सभी तीर्थ यात्रियों से अनुरोध है, केदारनाथ में मौसम खराब है, आप लोग इन सुरक्षित स्थान पे रुक जाएं, अथवा बद्रीनाथ की तरफ भी जा सकते हैं। जब मौसम ठीक होगा आपको बता दिया जाएगा। जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है आप लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत किया जा रहा है। कैसे हैं आप सभी, आई होप सही बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त रोशन साहब के लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाले जो कि केदारनाथ यात्रियों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वो उनके लिए बहुत स्पेशल रहेगी, क्योंकि वहां जो जाने वाला है ना, इस वीडियो को देख के जरूर जाना, क्योंकि केदारनाथ यात्रा बंद कर दी गई है। तो आप लोगों को जैसे पता है तो वहां जाओ तो इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, और ऐसी हमारी वीडियो के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज सुबह 3 मई को केदारनाथ धाम से जो भी जुड़ी लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए लाया हूँ। दोस्तों, आप सभी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में। तो आज सुबह भी केदारनाथ धाम में स्नोफॉल हो रही है और यहाँ का तापमान -1 डिग्री से लेकर -3 डिग्री तक चला जा रहा है, और निचले क्षेत्रों में बारिश अभी भी जारी है, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में अभी। अब दोस्तों, ख़राब मौसम की वजह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल 4 मई तक रोकी गई है। परसों 1 मई को सुबह 10:30 तक चली थी, जिसके बाद जोरदार बारिश के कारण, लेकिन यह मौसम इसी तरह आगे भी खराब रहा तो यह यात्रा आगे भी कुछ समय के लिए बंद रहेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि कुछ टाइम के लिए बंद रहेगी आगे की यात्रा, लेकिन फिलहाल केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन को भी अभी 6 मई तक रोक दिया गया, मतलब रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहे हैं 6 मई तक। और अब 6 मई तक केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आप दोनों ही प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, और अगर मौसम आगे भी इसी तरह खराब रहा तो 10 मई तक रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जा सकता है। यहाँ की पुलिस प्रशासन खुद ही कंफर्म नहीं है कि ये यात्रा कब तक रोकी जाए, इसलिए उन्होंने खुद कहा है जब तक मौसम सामान्य ना हो जाए तब तक यात्रा को इसी प्रकार रोका जाएगा। इसलिए एक डेट बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से मौसम के ऊपर है, और जो लोग 4 मई तक केदारनाथ पहुँचने वाले थे वह सभी लोग चाहें तो अपनी यात्रा को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप केदारनाथ के दर्शन पूरे 6 महीने चलेंगे, परंतु श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में पहुंचना ही बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि खराब मौसम के कारण यात्री वहां पहुंचने में असमर्थ हैं। और आप लोगों को मैं एक इस पर दिखाता हूं कि पुलिस वाले भी जैसे आप लोगों को कैसे इन्फॉर्म कर रहे हैं, और वहां पे जो है लोग उनको मतलब नोटिस दे रहे हैं कि आगे मत जाओ, वहाँ पर जो है काफ़ी दिक्कत आ रही है, और जो जहाँ पर है वहीं पर सेफ रहो। ये चीज़ें वहाँ पर पुलिस वाले भी बता रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में खुद ही वॉच कर लीजिए। ये सभी तीर्थ यात्रियों से अनुरोध है, केदारनाथ में मौसम खराब है, आप लोग इन सुरक्षित स्थान पे रुक जाएं, अथवा बद्रीनाथ की तरफ भी जा सकते हैं। जब मौसम ठीक होगा आपको बता दिया जाएगा। जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है आप लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता आप लोग केदारनाथ आने का प्लान ना बनाए, और जो लोग रास्ते पर हैं वह लोग वहीं रुक जाएं और मौसम सही होने का वेट करें। और दोस्तों, आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, जो लोग वहां पर हैं वो हेलीपैड द्वारा जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा जो है चल रही है, जब जब मौसम ठीक हो रहा है हेलीकॉप्टर द्वारा उन लोगों को, यात्रियों को जो है, श्रद्धालुओं को मंदिर तक ले जाया जा रहा है, और जब जब मौसम ख़राब हो रहा है तो हेलीकॉप्टर को सेवा को रोक दिया जा रहा है। और इस समय यात्रा में काफ़ी श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे, इसी प्रकार मौसम में थोड़ा भी खराबी आती है तो हेलीकॉप्टर सेवा बंद कर दी जाती है। अगर कोई भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा मंदिर में जाने वाले हैं वो सभी लोग टोल फ्री नंबर में संपर्क करके पहले जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि उनको बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि श्रद्धालु जो जा रहे हैं, कुछ श्रद्धालु जो पहले पहुंचे हैं वो लोग भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी उनका नंबर नहीं आया हुआ है। तो आप लोग आने वाले हैं या पहुंच रहे हैं हेलीकॉप्टर सेवा से, आप लोग जाने की सोच रहे हैं तो आप लोग पहले टोल फ्री नंबर पर अपनी जानकारी प्राप्त कर लें, और उसी प्रकार आप लोग आगे अपना यात्रा करें। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस समय केदारनाथ जो मंदिर है वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में स्नोफॉल हुई है,
और मौसम ख़राब होने से हेलीपैड उड़ान में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो सभी लोग पूरी संपूर्ण जानकारी से ही जाएं और अपनी सारी जो जो व्यवस्था है, मेडिसिन से लेके हर चीज़ अपने साथ लेके चल। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय वहाँ पर काफ़ी सारी वर्षा हो रही है और स्नोफॉल भी हो रहा है, तो इससे मौसम चेंजेस भी हो रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, कुछ भी बुखार वगैरह आएगा नॉर्मल, और जुकाम वगैरह इन चीज़ें की शिकायत ज़्यादा रहती है। तो आप लोग अपनी हेल्थ में लेके भी मेडिसिन वगैरह लेके चलें और अपने साथ टॉर्च वगैरह और छाता वगैरह सब कुछ लेके चलें क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो आपको सब कुछ अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। और इसी के साथ आप लोग अपनी जो है यात्रा संपूर्ण पूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से करके आएँ। जय श्री बद्री केदार, हर हर महादेव। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बड़ी वीडियो लाते रहेंगे। मोटिवेशन वाली वीडियो भी हमारे उसमें आती रहती है और ट्रैवलिंग की तो जो है काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी, तो आप लोग पीछे जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं कि कितनी सारी इसमें वीडियो आप लोगों के लिए हमने बनाई है। और ऐसे ही केदारनाथ जाने के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें तो हम केदारनाथ की आपको अपडेट देते रहेंगे। और इस टाइम पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश हो रही है, तो वहाँ पर जो है स्नोफॉल हो रहा है, तो स्नोफॉल से जो है काफ़ी लोगों को जान भी चले गई है कुछ लोगों की, और कुछ लोग वहाँ फंसे पड़े हैं और अब तो जो है नीचे से जाने के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बड़ी वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट में, आज के व्लॉग में। बाय बाय। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब।